तो हाँ भाई, बिल्कुल सही थंबनेल पे क्लिक किया है। वीडियो एकदम बढ़िया है, बहुत मेहनत से बनाई है, पर उसके लिए वीडियो को पूरा रुक के देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि वीडियो के स्टार्टिंग में ऐसा क्या बोल दूं कि तुम लोग पूरी वीडियो के लिए रुक जाओ। क्योंकि अगर एक बार पूरी वीडियो को देख लोगे तो तुम्हारा रिएक्शन होगा, मजा आया। तो जब से डीसी की द फ्लैश का ट्रेलर आया है, इंटरनेट पे चारों तरफ, चारों दिशाओं में आठों पहर इसी के चर्चे हैं, क्योंकि इसमें डीसीईयू का फ्लैश वही करने वाला है जो अपने एज़रा मिलर रियल लाइफ में करते हैं, रायता फैलाना। और इस बार ये इतना फैलाएंगे कि इसको समेटने के लिए दो दो बैटमैन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इसमें दो बैटमैन हैं, एक सुपर गर्ल है, और लगे हाथों मैन ऑफ स्टील से जनरल जॉर्ड भी आ रहा है। और इन सब के ऊपर इसमें तीन फ्लैश होंगे, अगर कुछ नहीं है तो हमारे चहेते हेनरी कैविल का सुपरमैन। पर इतना सब होने के बावजूद भी इस ट्रेलर में मेन विलेन को रिवील नहीं किया गया है। हालांकि अब इसके नए टॉय मर्चेंडाइज से ये बात कंफर्म होती दिख रही है कि इसमें मेन विलेन होने वाला है डार्क फ्लैश। और मेरा मानना है कि ये डीसीईयू का अब तक का सबसे बेस्ट ट्रेलर है, और यही वजह है कि लोग इसके लिए पगलाए हुए हैं। डीसी फैंस एक्सट्रीमली एक्साइटेड हैं, मार्वल फैंस अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मार्वल वर्सेस डीसी वाले काफी कंफ्यूज हैं। वैसे जब ट्रेलर के फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन आ चुके हैं, फैन थ्योरीज हवा में तैर रही हैं, तो अब इस वीडियो को बनाने का क्या पॉइंट है? वही जो मेरे हर वीडियो का होता है, आपको ये महसूस कराना कि इस फिल्म को डीसीईयू और पूरे सुपर हीरो कल्चर में इतना सेलिब्रेट क्यों किया जाएगा। तो हो सकता है आप पहले से इस बात को जानते हो, पर उनका क्या जो माइकल कीटन के बैटमैन को देखकर सोच रहे हैं कि इस बुढ़ऊ बैटमैन में ऐसा क्या है कि डीसी फैंस इतना उछल रहे हैं, या वो 80% लोग जो कॉमिक बुक्स को नहीं पढ़ते और जिन्होंने मोहित से इनका ज्ञान भी नहीं लिया है, और जिन्होंने CW के फ्लैश का टीवी शो नहीं देखा, जो अनजान है कि डीसी यूनिवर्स में फ्लैश पॉइंट क्या बला है। तो मैं बहुत सरल शब्दों में बता देता हूँ कि इस कहानी के क्या मायने होने वाले हैं, जिसे समझने के बाद आप भी कुछ इस तरह एक्साइटेड होंगे। तो 14 साल का एक बच्चा बैरी एलन, जिसने एक ही रात में अपने माता और पिता दोनों को खो दिया, और अपनी माँ की कातिल की खोज ने उसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट बना दिया, और बहुत तलाश के बाद जब बैरी हर उम्मीद खो चुका था, तब कुदरत ने उसे एक नया मकसद दिया। जब एक दिन आसमान से कड़कती बिजली उस वक्त बैरी के शरीर में समा गई जब वो अपनी फॉरेंसिक लैब में केमिकल से घिरा हुआ था, और इस एक्सीडेंट से बैरी को मिली एक अनोखी शक्ति, कल्पना से तेज गति। बैरी अब लाइट स्पीड से दौड़ सकता था, और इस तरह वो बना फास्टेस्ट मैन अलाइव, द फ्लैश। और फ्लैश को अपनी पावर्स मिलती हैं स्पीड फोर्स से। तो स्पीड फोर्स डार्क मैटर एनर्जी का एक्स्ट्रा डायमेंशनल सोर्स है, जिससे फ्लैश और बाकी स्पीडस्टर्स को अपनी पावर्स मिलती हैं। तो अब जब फ्लैश टाइम ट्रेवल कर सकता था, तो वो टाइम में पीछे गया ठीक उस रात को जब उसकी मॉम का मर्डर हुआ था, पर इस बार उसने उस मोमेंट पे अपनी मॉम के कातिल को रोक लिया, और उसे पता चला कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि रिवर्स फ्लैश है। अब ये रिवर्स फ्लैश कौन है? तो इतना समझ लीजिए कि फ्लैश जब जब समय धारा में फ्यूचर में ट्रेवल करता है, तब तब भविष्य से कोई और उसे रोकने के लिए पास्ट में उसकी ओर दौड़ता है। फ्लैश का सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन रिवर्स फ्लैश। 25वीं सदी का एक इंसान जो फ्लैश की कहानी और पावर्स से इतना ऑब्सेस था कि फ्लैश की तरह बनने की चाह में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वो फ्लैश से इतनी नफरत करता है कि उसने पास्ट में जाकर बैरी की मॉम को सिर्फ इसलिए मार दिया कि बैरी कभी इस ट्रॉमा से बाहर ना निकल पाए और कभी द फ्लैश ना बन पाए। लेकिन जब बैरी ने पास्ट में जाकर रिवर्स फ्लैश को रोक कर अपनी मॉम को बचा लिया, तो उस पॉइंट पर उसने पास्ट के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी पूरी तरह बदल के रख दिया, और इस इवेंट को डीसी यूनिवर्स में कहा गया फ्लैश पॉइंट। और ये फ्लैश की सबसे बेहतरीन कहानियों में सबसे ऊपर है, जहां बैरी ने अपनी मॉम को बचाकर पूरी टाइमलाइन को चेंज कर दिया, या कह सकते हैं एक नई टाइमलाइन को क्रिएट कर दिया। पर इससे हालात और बदतर हो गए। इस टाइमलाइन में बैरी को कभी उसकी पावर्स मिली ही नहीं, और वो कभी फ्लैश बना ही नहीं। और इस टाइमलाइन में ब्रूस वेन के मॉम डैड की जगह खुद ब्रूस वेन मारा गया, जिससे उसके डैड यानी थॉमस वेन बैटमैन बनते हैं, बहुत ही ब्रूटल और क्रिमिनल्स की जान लेने वाला बैटमैन। और ब्रूस की मॉम यानी मार्था वेन अपना दिमागी संतुलन खो देती है, और वो बनती है गॉथम सिटी की नई जोकर। और इन सब के ऊपर इस टाइमलाइन में अमेजॉन्स और एटलांटियंस के बीच में जंग छिड़ जाती है, और दुनिया बर्बादी की कगार पे है। इसके अलावा इस टाइमलाइन में सुपरमैन सरकारी कैद में है और बिल्कुल पावरलेस है। और तब फ्लैश को अपनी गलती का एहसास होता है, तब वो जाके मिलता है इस टाइमलाइन के बैटमैन यानी थॉमस वेन से, और उसकी हेल्प से अपनी पावर्स को वापस पाता है। और इसके बाद फ्लैश एक बार फिर पास्ट में दौड़ता है और खुद को अपनी मॉम को बचाने से रोकता है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि इस वक्त एक टाइमलाइन में
दो फ्लैश एक साथ दौड़ रहे हैं, तो बैरी अपने आप को अपनी मॉम को बचाने से रोक लेता है, यानी कि सब कुछ वैसा ही होने देता है जैसा कि होना चाहिए था। रिवर्स फ्लैश उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम को मार देता है और फ्लैश उसे रोकने से खुद को रोक लेता है, और यही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पेन है जिसे लेकर वो चलता है, दौड़ता है। और आने वाली फिल्म द फ्लैश इसी ग्रेटेस्ट कॉमिक बुक पर बेस्ड होगी, जहां हमें ब्रूस वेन और थॉमस वेन बैटमैन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल ने ले ली है, पर एक बात है जो ट्रेलर हमसे छुपा रहा है, कहानी का मेन विलेन जो कॉमिक्स में तो रिवर्स फ्लैश था, पर फिल्म इस पर अपना डिफरेंट टेक लेने वाली है। और जैसा कि सारी फैन थ्योरीज कह रही हैं कि यहां रिवर्स फ्लैश खुद फ्लैश ही होगा, यानी बैरी एलन ही होगा, पर ये थ्योरीज पूरी तरह फिट नहीं बैठ रही हैं, क्योंकि इस हिसाब से बैरी खुद अपनी मॉम को मारेगा, जो मेरे हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और तब इसकी सबसे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी यही है कि इस मूवी का मेन विलेन होगा डार्क फ्लैश, जो बैरी एलन यानी फ्लैश का ही एक वेरिएंट होगा। खैर विलेन जो भी हो, पर इस बात की गारंटी है कि जब वो रिवील होगा हम सबके होश उड़ने वाले हैं, और ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो फिल्म ऑफ ऑल टाइम हो सकती है। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।